भारत की सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारी के कानून पर रोक लगा दी है। बुध के रोज समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत ने अपना मौकूफ पेश किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को आईपीसी की दफा 124A के इल्तजाम पर नजरसानी करने की इजाजत फराहम कर दी है। मरकज इस सिलसिले में रियासतों को रहनुमा हिदायत जारी करेगा। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि जेरे इल्तवा मुकदमात पर जमूद बरकरार रखा जाए। अदालत ने कहा कि जो लोग गद्दारी के इल्जाम में मुकदमे का सामना कर रहे हैं और इस इल्जाम में जेल में हैं, वो मुतालिका अदालतों में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अब इस मामले की समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि हमें गद्दारी से मुतालिक केस की संगीनी का इल्म नहीं है। इनमें से कुछ का ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग या दहशतगर्दी से हो सकता है। जेरे अल्तवा मुकदमात अदालत में जेरे समाअत हैं, हमें अदालतों पर एतमाद करना चाहिए। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आईनी बेंच के जरिए गद्दारी की दफात को बरकरार रखने के लिए हुक्म पर रोक लगाने के लिए कोई हुक्म सादिर करना सही तरीका नहीं हो सकता। अर्जी गुजारों की तरफ से बहस करते हुए वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से मुतालिबा किया था कि गद्दारी के कानून को फौरी तौर पर मुअत्तल करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंकलाब न्यूज, नई दिल्ली।